देगा आपने। सवाल कई बाकी हैं और उन सवालों का जवाब मुद्दे की बात में हम तराशेंगे। आपको बता दें कि ए के मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम समझेंगे राजनीतिक विशेषज्ञ के साथ साथ अगर इन्वेस्टर के नजरिए से चीजों को देखना और समझाएं तो हम ए के मिश्रा साहब के पास भी चलेंगे। यूपी सरकार और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच पतंजलि फूड पार्क को लेकर चल रही तनातनी के खत्म होने की उम्मीद पड़ी है। तो चलिए मुद्दे की बात आज इन्हीं सवालों पर। ये परेशानी है, यदि हमको काम करने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे करेंगे? नहीं, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस का ये एग्जांपल है जो हमारे पीएम बोलते हैं। आप बोल दीजिए ना साहब। नहीं, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस का ये एग्जांपल है जो हमारे पीएम बोलते हैं। आप बोल दीजिए ना साहब। ये देखिए साथ में चल रहा है ए के मिश्रा साहब, एक तरफ इन्वेस्टर बुला रहे हैं और दूसरी तरफ अधिकारी सुस्ती दिखा रहे हैं साहब, और जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। चावला जी, ये डिबेट जब आपने शुरू की तो सबसे पहले एक बड़ा मन मर्म स्पर्शी मानवीय पहलू मैं देख लूं जो न कि पॉलिटिकल है न बिजनेस से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड। एक ट्वीट करने पे पूरी यूपी की गवर्नमेंट हिल गई और पूरे एक दिन के भीतर ही डेढ़ साल से लटका हुआ प्रोजेक्ट पास हो गया। काश हमारे देश में ऐसा भी होता कि सड़क एक्सीडेंट में एक तड़पता हुआ आदमी अगर एक फोन कॉल करे, एम्बुलेंस आ जाए और सरकार हिल जाए, और कहीं अगर कोई अपराध हो रहा है तो जो पीड़ित है अगर वो एक फोन कॉल कर दे, इसी तरीके से सरकार हिल जाए सेंटर और वहां की। लेकिन दुर्दशा है। दूसरी चीज यहाँ पे देखने की बात और है, यूपी इन्वेस्टर समिट हो रहा था, आप ही के चैनल पे मैंने पूरी एनालिसिस की थी और उनके प्लानिंग पार्ट को देख के मैं बड़ा उत्साहित था। एटलीस्ट यूपी में अब चीजें जो है मुझे लगा ढर्रे पे आने लगी है। और यहाँ पे अगर ये देखा जाए कि बाबा रामदेव जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, एक बहुत बड़ा रोल रहा, अगर उनके साथ ये चीजें हो रही तो जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स को पैदा करने की कवायद नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो कैसे पूरा होगा? हम कैसे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप कर पाएंगे जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट या पूरी कंट्री का फोकस है? तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बोलूंगा, ऐसी जब कोई घटना होती है तो उसका ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक बड़ा साइलेंट सा मैसेज जाता है। पुराने टाइम का मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, महाराष्ट्र में एक जो है डाबोल प्रोजेक्ट हुआ था जिसमें तीन कंपनियां साझेदार थी और एनरॉन प्रोजेक्ट ड्यू टू सर्टेन रीजन एनरॉन कंपनी जो है बैंकक्रप्ट हो गई थी, वो प्रोजेक्ट पूरा खटाई में पड़ गया। इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज बनी इंडिया की, आप जरा याद करिए। टाटा को जब बंगाल से ममता बनर्जी ने केवल अपने वोट बैंक के लिए भगाया था, पहले तो जमीन दी, इनवाइट किया, उसके बाद किसी और रीजन, पॉलिटिकल रीजन के कारण उन्होंने लगने नहीं दिया, टाटा ने पूरी कंपनी दूसरी जगह शिफ्ट की, कितना उसका कॉस्ट जो है वहां पे बढ़ गया। लेकिन देश का विकास करना है तो ये जो राजनेता है ना, मैं इनको ही सबसे बड़ा जो है विकास में बाधक या अड़ंगा लगाने वाला मैं मानता हूँ। राजनीति ये कर सकते हैं, विकास ये नहीं कर सकते हैं। एक साल तक इन्होंने गड्ढे भरे, एक साल के बाद ये प्रोजेक्ट, हालांकि मैं इसको कोई बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ कि केवल बाबा रामदेव का काम हो रहा है, छोटे मोटे जो इंडस्ट्रीज है, आप जमीन का एक खित्ता खरीदने चले जाइए 10-10 साल लग जाते हैं कोर्ट में। यहाँ पे तो बालकृष्ण ने ये बोला कि ये तो बड़ा छोटा काम है, बालकृष्ण से जरा आप पूछिए कि आप अपनी जिंदगी में 25 साल पहले बैंक अकाउंट खुलवाने गए थे तो कितने दिन में आपने खुलवाया था, सालों लग गए थे। सवाल ये है, सरकार का रवैया ये है ना, ये पूरे देश में और सारे सरकारों की मैं बात करता हूँ, चाइना से हम कॉम्पीट करना चाहते हैं, अधिकारी लॉबी कैसे सुधारेंगे, ये भी एक सवाल है, अधिकारी लॉबी कैसे सुधारेंगे? नहीं नहीं, मैं पूरे ब्यूरोक्रेसी पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं। आपको बता दें कि मुद्दे की बात में जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ए के मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं, जो हमें बता रहे हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा निवेश के हिसाब से। और साथ मेरे को भाषण नहीं सुनना, तथ्यों पे बात करेंगे तो जनता सुनेगी आपको, जब तथ्यों पे बात करेंगे तब आइएगा। एक सेकंड, ए के मिश्रा साहब जी, क्या निवेशक जब आता है तो इस तरह से अपनी बात को, जब पीड़ा को बयां करता है तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखिए चावला जी, अगर साइंटिफिक एनालिसिस की जाए तो किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को जो चाहिए कंपोनेंट कितने होते हैं सर? देखिए, एक एनवायरनमेंट में एक गवर्नमेंट होती है, पब्लिक होता है, इन्वेस्टर होते हैं और ब्यूरोक्रेसी होती है, यानी डिफरेंट ऑफिसेज और कर्मचारी हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं सर्विसेज को जी। मुझे ये लगता है कि ये गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट इंडिया, इंडियन इकोनॉमी की ये एक बहुत बड़ी सारी चीज होते हुए, मतलब मैन पावर है, स्किल है, रिसोर्सेज है, लेकिन सारी चीजें जाके कहीं ना कहीं जो प्रोसेस, एक स्मूथ प्रोसेस पूरा डेवलप करना चाहिए कि ए टू जेड मतलब किसी ने अप्लाई किया किसी इंडस्ट्री के लिए या किसी चीज के लिए और वो जो है पूरा प्रोसेस से गुजरता हुआ कितने जल्दी और स्मूथली जो है वो कस्टमर के पास या एप्लीकेशन डालने वाले के पास पहुंचता है। ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, नो मैटर, एक साल में ये गड्ढे तो भर नहीं पाए। ये विकास की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले,
सिस्टम आप डेवलप कर नहीं पाए हो सर, तो उसका आउटपुट या रिजल्ट आपको कहां से मिलेगा? यही ये एग्जांपल है जो आज आपके सामने ये दिख रहा है बाबा रामदेव जी का, जो रोष है सिस्टम ही नहीं है। एक साल से फाइल आपकी पड़ी हुई है, वो तो बाबा रामदेव जी का इसलिए हो गया कि वो इतने इन्फ्लुएंशियल है। आप जरा छोटे पैमाने पे जाके देखिए, जो छोटे इन्वेस्टर है एमएसएमई पे फोकस कर रही है बीजेपी, उन लोगों का क्या हुआ होगा? उनकी फाइलें कहां पे अटकी हैं सर? आदमी चक्कर लगाते लगाते मर जाता है। यानी अधिकारी लॉबी इसके लिए जिम्मेदार है सीधे तौर पर? नहीं, केवल अधिकारी नहीं है वो। देखिए, मैंने एक चीज बोला था कि चुनाव के पहले तक सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है सबके लिए कॉमन होती है, लेकिन चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद वो सिलेक्टिव हो जाती है। यानी उनका अपना फोकस टोटली चेंज हो जाता है। वो कॉमन मैन के लिए जो फोकस होना चाहिए ओवरऑल डेवलपमेंट सिस्टम के लिए, वो नहीं होता है। केवल अपने अपने लिए वो जो है एकदम कंसंट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड एके मिश्रा साहब, अब इसका असर क्या पड़ेगा निवेशकों पर जो ये सामने रिजल्ट आया? चावला जी, मैं आपको बताऊं, निवेशक को अट्रैक्ट करना क्वेश्चन, अगर हम लोग अपने आप से ये पूछे कि कोई क्यों आकर के आपके यहाँ इन्वेस्ट करे, आप एग्जांपल लीजिए, मैं आपको या किसी को बोलता हूँ भाई आप ये 10,000 रुपए लो और जाके सीरिया में इन्वेस्ट कर दो, जाके सोमालिया में इन्वेस्ट कर दो, इन देशों में कोई भी आदमी 5,000 का भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे कहने का मतलब, इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल पॉजिटिव परसेप्शन आपको डेवलप करना होता है। हालांकि हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जो प्रॉब्लम है वो एक ऐसे चैलेंजेस है ना, कोई इन्वेस्टर क्यों आएगा? वो देखेगा ब्यूरोक्रेसी, बाबूगिरी यहाँ पे इतनी है, एक फाइल आप दे दो, दो दो साल तक फाइलें नहीं क्लियर होती हैं। ठीक है, बातें आप कुछ कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट बना के दे रहे हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। इतना जंजाल बुना हुआ है और कोई निवेशक इन सब माहौल में नहीं आता है, उसका परसेप्शन इतना पॉजिटिव नहीं बन पा रहा है, स्पेशली पूर्वोत्तर राज्यों, यूपी और बिहार, इन सबको देखें। क्योंकि अभी भी देखिए, राजनीति करने में इन प्रदेश के लोग बहुत आगे हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी को मैनेज करना, इकोनॉमी को ग्रो कराना, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत साइंटिफिक अप्रोच वाला कोई नेता, भले ही वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, यूपी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, बहुत सारी चीजें आप इन लोगों से पूछ लीजिएगा तो इनको बेसिक इकोनॉमिक्स की भी चीजें नहीं पता है। फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए भी ये पॉलिटिक्स करते हैं, होम मिनिस्टर की तरह ये काम करते हैं। मैं पूछता हूँ, इतनी बेसिक चीजें जो होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो आज तक क्यों नहीं डेवलप? मैं सारी गवर्नमेंट से पूछता हूँ, 70 साल से ज्यादा का टाइम हो गया, 80 से ज्यादा जो है एमपी यूपी से बैठते हैं, इतने रिसोर्सेस, चावला जी मैं फिर बोलता हूँ, मेरे हमारे पूरे देश में रिसोर्स और टैलेंट की कमी नहीं है। ये जो मिसमैनेजमेंट है ना, ये हाईजैक कर लेते हैं नेता लोग सिस्टम को। ठीक, एक मिश्रा साहब, एक सेकंड अशोक पांडे साहब, आपका खत्म हुआ साहब? सर, ये आपकी रैली नहीं चल रही है और मेरे कार्यक्रम में ये संभव नहीं है। एक मिश्रा, 10 सेकंड, समय खत्म हो गया, प्लीज। चावला जी, क्या है, जो विकास होता है विकास करने के लिए और इन्वेस्टर को हमें अट्रैक्ट करने के लिए, बहुत इंटीग्रेटेड वे में बड़ा स्मूथ पूरा सिस्टम डेवलप करना होगा, हर कंपोनेंट को बहुत एक्टिव करना होगा, तभी इन्वेस्टर आएंगे। अदरवाइज जो फाइल एक साल में क्लियर होती है कोई आने वाला नहीं। क्या करना चाहिए जी, 10 सेकंड जल्दी। मेरा सिर्फ इतना कहना है, यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र के पूरे किसानों का दुर्भाग्य, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को बाबा का जो ये प्रोजेक्ट पतंजलि फूड पार्क है यमुना प्राधिकरण में पहला आया है रोजगार का, इसको यहाँ से किसी भी कीमत पर नहीं जाने चाहिए। कोई विकास यही होना चाहिए, सरकार को नहीं देने चाहिए यहाँ से प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पर नहीं जाने चाहिए।